हे ब्यूटीफुल लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्स स्टाइल्स। मैं हूँ लक्ष्मी चौधरी। टुडे आई एम क्रिएट दिस अमेजिंग ब्यूटीफुल हल्दी मेकअप लुक। इस मेकअप लुक के साथ में मैंने येलो लहंगा एंड पिंक ब्लाउज के साथ में ये अमेजिंग सी ज्वेलरी वेयर की है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है और ये हल्दी मेकअप के ऊपर बहुत अच्छी तरह से जा रही है। और इस मेकअप लुक को मैंने बहुत ही ईजी तरीके से क्रिएट किया है, बहुत ही ईजी स्टेप से। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में बेल आइकन भी दिखाई देगा, उसे भी प्रेस कर देना जिससे मेरा कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। एंड गाइस, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, फर्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ एम कैफीन का ये फेस सीरम। ये 72 आवर्स तक आपके फेस को मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन एकदम स्मूथ बनाता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है ये। उसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम की ये सनस्क्रीन। आप समर के टाइम में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ये आपको सन रेसेस से प्रोटेक्ट करता है, आपके फाउंडेशन को ब्लैक होने से भी बचाता है। एंड थर्ड प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ निविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइजर क्रीम। ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है। और अगर आप बिगनर्स हैं, अगर कोई मॉइस्चराइजर परचेज करना चाहते हैं तो ये बजट फ्रेंडली भी है। इसका प्राइस भी ओनली 50 रुपीज़ है। तो ये अच्छी तरह से आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड कर देता है, मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है। तो जो भी आप फाउंडेशन मेकअप अप्लाई करेंगे तो आपका मेकअप बहुत ही स्मूथ लगेगा। आफ्टर दैट नाउ आई एम यूजिंग दिस मेबलिन फिट मी मास्टर प्राइमर। ये ऑयली स्किन वालों के लिए सबसे बेस्ट प्राइमर है। आपके ओपन पोर्स को अच्छी तरह से मिनिमाइज़ कर देगा, लॉक कर देगा और आपकी स्किन को एकदम स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा। एंड गाइस, आप कोई भी प्राइमर अप्लाई करें तो आपको उसकी एक लेयर ही अप्लाई करना है, उसको बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करना है। तो एकदम हल्के हाथों से आपको ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद में मैं वैसलिन अप्लाई कर रही हूँ अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए। सो गाइज, नाउ आई एम यूजिंग लैग ब्यूटी का ये आईब्रो पॉमेट। ये बहुत ही अमेजिंग आईब्रो पॉमेट है। इसके अंदर आपको 4 शेड्स मिल जाते हैं, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लैक कलर, एकदम लाइट ब्राउन कलर भी इसमें आपको मिल जाएगा। ये आपकी आईब्रो को बहुत ही अच्छी तरह से फिल कर देता है। इसका जो कलर है बहुत ही पिगमेंटेड है। और आप जब भी आईब्रो को फिल करें आप हमेशा ध्यान रखिए, आपको सेंटर पॉइंट से आईब्रो को फिल करना स्टार्ट करना है। अगर आप आगे से आईब्रो फिल करना स्टार्ट करेंगे तो आपका लुक सूर्पनखा जैसा आ सकता है। तो आप देख सकते हैं मेरी आईब्रो कितनी नेचुरल लग रही है। और बहुत ही हल्के हाथों से आपको अपने आईब्रो को फिल करना है। तो आप देखिए वन साइड की आईब्रो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। इसी तरह मैं अपनी सेकंड आईब्रो को भी इसी तरह फिल कर लूँगी। आप देख रहे होंगे मैंने सेंटर से अपने आईब्रो को फिल करना स्टार्ट किया है। और मैंने इसमें से डार्क ब्राउन कलर लिया है। ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिए। जब भी आप आईब्रो को फिल करें आप हमेशा ब्राउन कलर या लाइट ब्राउन कलर का इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह से मैंने दोनों अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लिया है। एंड गाइस, इसी के साथ में जो स्पूली आई थी उसी की हेल्प से मैं अपनी आईब्रो को कॉम कर लूँगी। कॉम करना बिल्कुल ना भूलिए, इससे आपका जो गैप होता है आईब्रो में अच्छी तरह से फील हो जाता है और एकदम नेचुरल लगती है आपकी आईब्रोज। तो आप देख सकते हैं कितनी नेचुरल लग रही है और एकदम डार्क भी नहीं लग रही। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का ये कंसीलर। तो मैं इसे अपने आईब्रो के एकदम नीचे अप्लाई करूँगी जिससे मेरे आईब्रो शेप बहुत ही अच्छा लगे। और साथ ही साथ अपनी फुल आईलेड पर भी मैं इसे अप्लाई कर दूँगी। एंड गाइस, ये कंसीलर आपको फुल कवरेज देता है, ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है। एंड गाइस, जो भी प्रोडक्ट का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मैंने इसे पूरी अपनी आईलेड पर अप्लाई कर लिया है और एक वेट स्पंज की हेल्प से मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। इसी तरह मैं अपनी सेकंड आईज पर भी अप्लाई कर लूँगी। एंड गाइस, आई मेकअप पहले करने से ये होता है कि हम जो भी आई शेडो अप्लाई करेंगे तो उसका जो भी फॉल आउट होगा हमारे अंडर आइज के नीचे गिरेगा, तो उसे अच्छी तरह से हम क्लीन कर लेंगे। उसके बाद मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो मैंने इसी तरह दोनों अपनी आइज पे अप्लाई कर लिया कंसीलर और उसी वेट स्पंज की हेल्प से मैं इसे भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। तो कोई भी क्रीज लाइन ना रहे, अच्छी तरह से एकदम स्मूथनेस आइज लगे हमारी। उसके बाद मैं अपनी अपर आईब्रो के ऊपर भी इस तरह से कंसीलर अप्लाई करूँगी और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे भी अच्छी तरह से स्मज कर लूँगी। एंड अगर गाइज, अगर आपकी डार्क आईब्रो है तो आप इस स्टेप को भी स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइज, मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी तो जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। उसके बाद में ये वाइट कलर लेके अपनी पूरी आईलेड पर मैं अप्लाई कर रही हूँ जिससे कोई भी कलर हम अप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, ब्यूटीफुल लगे। उसके बाद में मैं ये डार्क ब्राउन कलर लेके अपनी क्रीज लाइन के थोड़ा सा अपर अप्लाई करूँगी और एकदम हल्के हाथों से ब्लेंडिंग करूँगी। ब्लेंडिंग जितना अच्छा करेंगे आप उतना अच्छा आपका आई मेकअप लगने वाला है। तो आप देख सकते हैं एकदम वी शेप बनाते हुए अपने आउटर कॉर्नर पर मैंने इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया। उसके बाद में ये डार्क मरून कलर लेकर मैंने जो पहले कलर अप्लाई किया था उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे में इसे अप्लाई कर रही हूँ और वी शेप आपको बनाते रहना है साइड में आउटर कॉर्नर पे और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद मैं ये ब्लैक कलर लूँगी और जहाँ पे मैंने ये डार्क ब्राउन कलर मरून कलर लिया उसके साइड में उसके ऊपर ही मैं ये ब्लैक कलर को अप्लाई करूँगी। अभी तक हमने 3 कलर का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं ये आई मेकअप बहुत ही ईजी है, दिखने में जितना हार्ड लग रहा है उतना नहीं है। तो इस ब्लैक कलर को अच्छी तरह से हमें स्मच कर लेना है। उसके बाद में मैं ये मेबलिन का कंसीलर ले रही हूँ और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से एक क्रीज कट मैं ड्रॉ करूँगी। तो आपको क्रीज कट ड्रॉ करते टाइम बहुत ही ध्यान से क्रीज कट को ड्रॉ करना है जिससे आपका क्रीज लाइन एकदम अच्छा लगे। तो मैं इसे अभी जो क्रीज कट ड्रॉ किया है मैं वहाँ पे फिल कर लूँगी कंसीलर की हेल्प से। तो आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग ब्यूटीफुल क्रीज कट ड्रॉ हुआ है। और थोड़ा सा और शार्प करने के लिए क्रीज लाइन को मैं वापस उसी कंसीलर की हेल्प से क्रीज लाइन के ऊपर वापस एक दूसरी लेयर दे रही हूँ और अब मैं इसे स्पंज की हेल्प से अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। उसके बाद में मैं ये दोनों लाइट पिंक कलर और डार्क पिंक कलर को अपनी सेंटर आईलेड पर अप्लाई करूँगी एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से। इस कलर ने हमारी आई मेकअप को 4 चांद लगा दिए हैं गाइज। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये कलर अप्लाई करने के बाद हमारा आई मेकअप। उसके बाद में मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से एक गोल्डन कलर ले रही हूँ और गोल्डन कलर को मैं अपनी इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ्लैट ब्रश अप्लाई करने से क्या होगा, जो हमने कट क्रीज ड्रॉ किया है तो वो अच्छी तरह से वैसा के वैसा रहेगा। फिंगर की हेल्प से कट क्रीज हमारा थोड़ा बहुत बिगड़ सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लैट ब्रश का इस्तेमाल किया है। तो अभी जो ये लाइन आई है आप देख सकते हैं सेंटर में हमारी जो लाइन क्रिएट हुई है उसे अच्छी तरह से हमें स्मच करना है, तो जिससे दोनों अलग अलग ना लगे, एकदम स्मच लगे, हमारा आई मेकअप ब्यूटीफुल लगे। तो इस लाइन को हमें मिटाने के लिए फ्लैट ब्रश या फ्लफी ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्लफी ब्रश लिया है तो मैंने उस लाइन को हटा दिया है। उसके बाद में मैं ये एलिटिन की लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। इस लाइनर के थ्रू मैं एकदम थिन लाइनर ड्रॉ करूँगी और अपने आउटर कॉर्नर पे एक वी शेप बनाते हुए मैं लाइनर को ड्रॉ करती जाऊँगी। लाइनर ड्रॉ करते टाइम आपको बहुत केयरफुली लाइनर को ड्रॉ करना है, आँखों को ज़्यादा नहीं हिलाना वरना आपका पूरा आई मेकअप ख़राब हो सकता है। तो आप देखिए मैंने कितना पतला आईलाइनर ड्रॉ किया है और ये एकदम ब्लैक शेड आईलाइनर है गाइस। अगर आप बिगनर हैं तो डेफिनेटली आप इसे बाय कीजिए। उसके बाद मैं हाइपरकल का ये मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और इसकी मैं 5 से 6 कोट अप्लाई करूँगी। बहुत ही अमेजिंग मस्कारा है, आपके आईब्रो को आईलेसेस को ग्रोथ देता है, लेंथ भी देता है और वाटरप्रूफ भी है। तो अगर आप ये भी बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग मस्कारा है। तो या गाइस आप देख सकते हैं मैंने अपने दोनों आई मेकअप कंप्लीट कर लिया और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आई मेकअप बहुत ही ईजी है। और उसके बाद में मैं ग्लैम 21 की ये करेक्टर प्लेट यूज़ कर रही हूँ, उसमें से मैंने ये लाइट ऑरेंज कलर को अप्लाई करूँगी मेरे माउथ के अराउंड में जहाँ पे भी ब्लैकनेस है। आप हमेशा ध्यान रखिए फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले जो भी आपके ब्लैकनेस है आपके फेस पर, जैसे माउथ के अराउंड में होती है, नोज़ के अराउंड होती है, फोरहेड पर होती है, तो उसे अच्छी तरह से करेक्टर से पहले आप हाइड कर लीजिए। आप ऑरेंज करेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास आपके फेस पर पिम्पल्स हैं, रेडनेस है पिम्पल्स की, तो उसके लिए आपको ग्रीन करेक्टर का इस्तेमाल करना है, पर मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर करेक्टर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे पिंपल्स नहीं है फेस पे, ओनली डार्कनेस है। तो उसे अच्छी तरह से हाइड करने के लिए मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। अब हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा फेस इवन टोन लगेगा, कहीं पे भी ब्लैकनेस या रेडनेस या इवन टोन नहीं लगेगा, एकदम अच्छी तरह से हमारा फाउंडेशन निखर के आएगा। तो इसे मैं अपनी अंडर आइज़ के नीचे भी अप्लाई कर लूँगी फ्लैट ब्रश की हेल्प से, आप चाहें तो फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं वेट स्पंज लिया है और मैंने इसे एक फिक्सर सेटिंग्स फिक्सर की हेल्प से थोड़ा सा इसके ऊपर फिक्सर लगा दिया, जिसकी वजह से क्या हो हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बने, स्मच प्रूफ बने। विंटर समर का टाइम है तो हमारा मेकअप लॉन्ग टाइम तक चले। तो मैंने इसे सेटिंग स्प्रे से थोड़ा सा गीला कर लिया था। अब मैं यूज़ कर रही हूँ लोरियल का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन। ये 24 आवर्स तक आपके फेस पर स्टे रहता है और लॉन्ग लास्टिक फाउंडेशन है। इसे मैं डॉट डॉट करके अपने फुल फेस पर अप्लाई कर रही हूँ फिंगर की हेल्प से। आप चाहें तो डायरेक्ट स्पंज की हेल्प से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक पर अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आपका नेक और फेस सेम टू सेम लगे। और मैं यहाँ पर वीडियो को बिल्कुल भी स्पीड अप नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं बिल्कुल भी कट कर रही हूँ वीडियो को। देख सकते हैं आप कितनी ईजीली बटर की तरह हमारा फाउंडेशन मेल्ट हो रहा है, बहुत ही ईजीली मेल्ट हो रहा है। मैंने यहाँ पे भी फिक्सर से अपने स्पंज को थोड़ा सा गीला कर लिया था जिससे हमारा फाउंडेशन लॉक हो जाए और बहुत ही इजीली अप्लाई हो रहा है। आप देख सकते हैं कहीं पे भी पैचीनेस केकीनेस नहीं लग रही है और बहुत ही अच्छा अमेजिंग फाउंडेशन है ये गाइज। आपको सभी प्रोडक्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर लेना। और इसमें मेरा सैड है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सैड नंबर भी, वो भी चेक कर सकते हैं आप लोग। और ये थोड़ा ऑक्सीडाइज फाउंडेशन है गाइस, तो इसमें आप ध्यान रखिए जब भी आप इसे परचेज़ करें एक से दो शेड लाइट लीजिए क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इसकी वजह से। तो इसे अच्छी तरह से हमने ब्लेंड कर लिया, हमारे नेक पर भी हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना मस्त फिनिश आया है हमारे फाउंडेशन के थ्रू, कितना अमेजिंग लग रहा है। उसके बाद में मैं ये वापस मेबलिन फिट मी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपने अंडर आइज़ के नीचे, नोज़ पर, फोरहेड पर, चिन पर, और उसी ब्लेंडिंग स्पंज की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। तो ब्लेंडिंग बहुत ही ज़रूरी है गाइस, जितना अच्छी तरह से आप ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा आपका मेकअप लगने वाला है। और ब्लेंडिंग आप हमेशा ध्यान रहिए, स्पंज का इस्तेमाल करें तो आपको डैप डैप करके ही ब्लेंडिंग करना है, इसे रब नहीं करना है। रब करेंगे तो आपका फाउंडेशन इधर उधर हो सकता है जिससे केकीनेस पैचीनेस आ जाएंगे आपकी स्किन पर, तो डैप डैप करके ही आपको अप्लाई करना है। उसके बाद में मैं ये कॉन्टोर स्टिक यूज़ कर रही हूँ, इसमें आपको वन साइड कॉन्टोर मिल रहा है और दूसरी साइड आपको हाईलाइटर मिलता है। तो इसमें मैं कॉन्टोर की हेल्प से अपने चिन पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे पाउडर कंटूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हल्दी मेकअप है तो हमारे फेस के जो स्ट्रक्चर है हमें ज़्यादा दिखाने पड़ते हैं, इसकी वजह से मैंने आज ये लिक्विड स्टिक कंटूर इस्तेमाल किया है। इसे नोज़ पर भी मैं अपने अप्लाई कर लूँगी और अपने चिन पर एक पॉइंट ड्रॉ किया है मैंने जिससे एक सुंदर लगे। तो गाइस इसे मैं उसी स्पंज की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगी। ब्लेंड करते रहिए, आप फोरहेड पर अप्लाई कर रहे हैं जब कंटूर तो आपको इसे अपर डायरेक्शन में ब्लेंड करना है अपने हेयर के आसपास, और नोज़ पर भी मैंने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद में मैंने ये आई शेडो प्लेट में से ये लाइट ब्राउन कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने जहाँ पर भी स्टिक कंटूर इस्तेमाल किया था वहाँ पर ही मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, फोरहेड पर। तो हमने जो स्टिक कंटूर यूज़ किया है वो अच्छी तरह से लॉक हो जाए, तो मैं इसे फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से अपने चिन लाइन पर भी अप्लाई कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कंटूरिंग कितनी अच्छी हुई है, कितनी अमेजिंग लग रही है। तो आप जब भी मेकअप करें तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। और गाइस मैंने यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से, स्मॉल ब्रश की हेल्प से अपने नोज़ कंटूरिंग कर ली है, और मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ ब्लशर। बहुत ही अमेजिंग ब्लशर है, इसके अंदर जो शाइन है बहुत ही अमेजिंग साइन है गाइस, इसमें थोड़ा थोड़ा ग्लिटर है, उसकी वजह से हमारा जो ब्लशर है बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और अब लास्ट में मैं कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से जो भी मेरा फुल फेस को अच्छी तरह से लॉक कर लूँगी, तो समर के टाइम में कहीं पे भी हमारा मेकअप इधर उधर ना हो इसकी वजह से। उसके बाद में मैं स्विस ब्यूटी का ये हाईलाइटर इस्तेमाल कर रही हूँ और अपने चिन पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी, जो भी हाईलाइट पॉइंट है वहाँ पे इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी। आप देख सकते हैं balm.com ये हाईलाइटर है, बहुत ही अमेजिंग आपको हाईलाइटर मिल रहा है इसमें। तो अपने अपर द लिप्स, नोज़ पॉइंट पर, फोरहेड पर इसे अप्लाई कर लूँगी मैं। देख सकते हैं एकदम नेचुरल लग रहा है हाइलाइटर। और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अपने आईब्रो के इनर कॉर्नर पे इसे अप्लाई कर लूँगी, तो दोनों तरफ सेम तरीके से मैं अप्लाई कर लूँगी। आप चाहें तो फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। और अब एकदम स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं अपने आई मेकअप के इनर कॉर्नर पर इसे अप्लाई कर रही हूँ। तो आई मेकअप के लिए जितने स्मॉल ब्रश का आप इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपका आई मेकअप अच्छा लगने वाला है और ईजिली ब्लेंड होने वाला है। और अब बारी आती है हमारी लोअर लेश लाइन की, तो लोअर लेश लाइन पर भी मैंने जो ऊपर कलर अप्लाई किया था वही कलर मैं डार्क ब्राउन कलर लेकर अपनी लोअर लेश लाइन पर अप्लाई करूँगी। और मेरे आईज़ के सेंटर में एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैंने ये पिंक कलर अप्लाई किया है। तो हमारे आईज़ के ऊपर जो जिस तरह से हम कलर अप्लाई करते हैं आईज़ के नीचे भी उसी तरह से हमें कलर अप्लाई करने हैं। उसके बाद में मैं कोलोसोल का काजल ले रही हूँ और एकदम पतला काजल ड्रॉ करूँगी मैं। ये काजल बहुत ही अमेजिंग है, वाटरप्रूफ भी है, स्मज प्रूफ भी है। तो एकदम पतला काजल मैंने ड्रॉ किया है, मैंने ज़्यादा मोटा काजल नहीं अप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग लग रहा है, काजल लगाने से हमारा आई मेकअप एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्टे करके कि ये लिक्विड मिनी लिपस्टिक है। गाइज इसके अंदर आपको 12 से 15 शेड्स मिल जाते हैं। बहुत ही अमेजिंग लिपस्टिक है ये, आपको 15 से 16 घंटे तक आपके लिप्स पर स्टे रहेगी। और मैंने यहाँ पे एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से अपने लिप को अच्छी तरह से फिल कर रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ब्रश की हेल्प से अगर हम लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो हमारा जो शेप है बहुत ही अच्छा लगता है लिप का। तो मैंने पहले एक आउटर लाइन ड्रॉ कर ली है मेरे लिप्स पर और फिर मैं उसे अच्छी तरह से फिल कर रही हूँ। या गाइस माय मेकअप वाज डन। या गाइस दिस इज द माय फाइनल लुक। ये हल्दी ब्राइडल मेकअप लुक है। आप अपने आप से ये मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत इजी है। मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये मेकअप लुक भी पसंद आया होगा। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। लव यू ऑल।